मेरे पास अभी इंटरनेशनल लाइसेंस है, कैसे अप्लाई करते हैं कैसे नहीं वो भी सारी चीज़ें बताऊंगा। उधर से इधर आने का एक दो घंटे का इंश्योरेंस भी निकल जाता है, ठीक है, लेकिन फिर भी एक झलक दिखा देता हूँ। आज गाइस तो फाइनली अपना गाड़ी आ गया है और हम आ गए हैं हनुमान जी टेम्पल पे। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, स्वागत है आज की नई वीडियो में। तो आज हम जाने वाले हैं एक्चुअली शॉपिंग मतलब छोटी मोटी नहीं बड़ी वाली चलते हैं। एक्चुअली आज हम स्पेशली किस चीज़ की शॉपिंग करने जा रहा हूँ, मतलब मैं जा रहा हूँ दूसरी ये जॉब पे। तो अभी मैं जा रहा हूँ, आज वेडनेसडे मेरे को एक सुबह सुबह में अच्छी डेली मिली है, तो मेरे को इधर से जाना है रग्बी जो कि इधर से 24 माइल है। बस में जाऊँगा, 2 पाउंड लेते हैं सिर्फ लेस्टर से, 1 घंटे का रास्ता, 1.5 घंटे का, ठीक है। वैसे उबर में जाओ तो 48 पाउंड लग जाता है। तो उधर मेरे को एक एक्चुअली फेसबुक मार्केट प्लेस पर एक गाड़ी मिली है, एक यूरोपियन की गाड़ी है, मतलब बहुत अच्छा है। और उसके घर पे खुद का मैकेनिक भी है, वो खुद मैकेनिक भी है, खुद गाड़ी बनाता है, जिसे घर पे ऑफिशियली नहीं है। तो अच्छी है, जाके देखते हैं कैसा है कैसा नहीं, अगर पसंद आ गया तो ले लेंगे, वरना टेस्ट ड्राइव वगैरह सारी चीज़ें जाके देखते हैं कैसा है कैसा नहीं। तो बने रहे वीडियो में, तो अभी हम चलते हैं सीधा रग्बी, आपको रास्ते में दिखाता हूँ क्या 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 नहीं। पहले थोड़ा जैकेट पहन लेते हैं, ठीक है, सो लेट्स गो। हाँ जी गाइस, तो अभी हम जा रहे हैं ये मार्केट से उतर, और सामने इसके सामने सैंड मार्केट बस स्टैंड है जहाँ से बस रख भी जाती है। अरे तो वहाँ जा रहे हैं अभी, तो उसके बाद बताते हैं आपको क्या है। मार्केट बस स्टैंड इधर से सारी बसें जाती है रग्बी के लिए। एक्चुअली जो लेस्टर से रग्बी का जो ऊबर का प्राइस है 39 मिनिमम है, 48 ज़्यादा है, तो उतना में तो मेरा उधर का उधर से इधर आने का एक 2 घंटे का इंश्योरेंस भी निकल जाता है। हाँ जी गाइस, हम लोग तो अभी मैं सैंड मार्केट बस स्टैंड पर बैठा हूँ, तो मुझे अभी एक चीज़ पता चली कि जैसे इधर से लेस्टर से सैंड मार्केट जो बस स्टैंड है उधर से नेशनल एक्सप्रेस बस भी जाती है, लेकिन उधर से क्या है ना, जैसे डर्बी है, ठीक है, कोवेंट्री है, बर्मिंगम, सारी बसें तो जाती है, लेकिन किसी चीज़ें जगह पर मतलब पीछे स्टॉप लगा करके जाना पड़ता है। तो मैंने जो भी जा रहा हूँ रग्बी जो कि 24 माइल का खाना है, तो रग्बी में जाकर मेरे को उधर से पहले सैंड मार्केट से लीटर वर्थ की बस लेनी होती जो कि अभी 1 बजे आएगी, मतलब हर 10-15 मिनट में आती रहती है हर कोई जगह की बस, अभी 10 मिनट में आएगी, अभी 12:22 हुआ है, तो 1 बजे आ जाएगी वो। 1 बजे जाने के बाद मुझे शायद 1-1.5 घंटा जितना रास्ता है बस लेकिन निकल जाता है। तो उधर जाएंगे हम, देखेंगे पहले क्या है क्या नहीं, हो सके तो आज ही लेके आएंगे, क्योंकि अभी 15 दिन तक गाड़ी नहीं ला सकते, उसके बाद पहले नवरात्र मेरे को क्या है, उसकी वजह से 2-3 बार बीमार हो चुका है अभी भी, मतलब कंडीशन ठीक है 2 दिन से बीमार। एक्चुअली जो थिंग इस बारिश में बिकते हैं ना, तुम छाता यूज़ करो, कुछ भी यूज़ करो, छाता का तो वैसे कांगड़ा बन जाए, इसीलिए गाड़ी बहुत ज़रूरी है ठंडी से बचने के लिए और रेन से बचने के लिए। तो मेरे पास अभी इंटरनेशनल लाइसेंस, कैसे अप्लाई करते हैं कैसे नहीं वो भी सारी चीज़ें बताऊंगा। उसके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, यूके का लाइसेंस अप्लाई करने के लिए क्या करना होता है, कौन से एप्लीकेशन से प्रिपरेशन कर सकते हैं, और इंटरनेशनल लाइसेंस के लिए क्या कर सकते हैं, वो दोनों वीडियो एक ही में बना दूंगा मैं जो कि नेक्स्ट वीडियो है। और मेरे को एक्चुअली में सही में टाइम नहीं मिल रहा है गाइस, तो आप लोगों ने बहुत सारे प्यार दिया, लास्ट मैंने देखा बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मेरे आ गए हैं, बहुत सारे मेरे को इंस्टा पे मैसेज भी आते हैं कि भाई वीडियो बनाओ, बट क्या बताऊँ मैं, मेरे को सही में टाइम नहीं मिल रहा है। लोग बताएं ना, सुबह में 5:30 बजे उठने के बाद मैं जाता हूँ, 6:30 बजे निकलता हूँ, उसके बाद शाम को 7:30 बजे घर पर आता हूँ। सो अभी थोड़ा आप बोल रहे होंगे छाप रहे, वह अभी नहीं छापेंगे तो कभी छापेंगे, थोड़ा पहले 6 महीने बराबर मेहनत कर लूँ, थोड़ा एक बार गाड़ी आ गए पटरी पे, फिर थोड़ा बहुत वीडियो भी बनाएंगे, सब कुछ बनाएंगे, अभी आएगा एक वीडियो, थोड़ा अभी रिलैक्स हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मेरा अभी ओवर टाइम भी बहुत मैं ले रहा हूँ, तो मैं दिन में कम से कम कुछ नहीं ना 14 से 15 घंटा मिनिमम काम करता हूँ, कुछ भी हो जाए, मतलब ट्रैवलिंग के साथ मिला के ले लो, ऐसा नहीं, सब कुछ मिला के 14-15 घंटा 16 घंटा तक मैं मेरा टोटल हो जाता दिन में, उसके बाद खाना पीना तो मैंने गिना ही नहीं उसका टाइम। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, हेलो, हाँ जी गाइस, तो मेरा टिकट है, गाड़ी स्टार्ट हो जाएगा, बाद में निकले तो वही बस स्टैंड पर, इधर पर इधर से बस जाती है, फिर घूमने कितना चार्ज लिया मैं बताता हूँ आपको, इसका 2 पाउंड लिया था वो, जबकि बस में कैब करूँ ना 40-45 पाउंड मिल जाता है, कुछ ज़्यादा तो इधर से डायरेक्टली कर लिया, बोला कि चेंज करने के लिए
की बस इधर से जाती है, मतलब एक जगह पर स्टॉप करेगी लूटन वर्ड, उसके बाद इधर जाती है। आज गाइस जो रग्बी वेस्ट एंड पे मैं आ गया हूँ रग्बी सेंट्रल में, अभी इधर से मैंने उबर किया है क्योंकि तो 2 माइल और बता रहा है, क्योंकि बस उस साइड नहीं जा रही थी, थोड़ा डाइवर्जन चेंज हो रहा था, तो अभी से 5 pounds का टोटल मेरे को उबर पड़ा है, 2.5 miles कुछ बचा है, 2.5 miles मतलब 4 kilometers अराउंड, तो 5 pounds का पड़ा है। बोल्ट इधर अवेलेबल नहीं है रग्बी में, इसलिए मैंने उबर किया है और उसमें मेरे को डिस्काउंट भी मिला 1.75 का, क्योंकि वो 5-10% वाला मैंने स्कीम लेके रखा है, जब ज़रूरत है तब ले लेता हूँ। ठीक है, तो अभी जाते हैं, गाड़ी देखते हैं कैसा है कैसा नहीं, ठीक है कौन सी गाड़ी है वो भी बताऊँगा, लेकिन अभी मौसम बहुत गंदा होने वाला है क्योंकि 15 degrees हो गया है पहले जब मैं निकला था, अभी तो कम से कम 12 degrees बता रहा है, फील्स लाइक 9 degrees। हेलो गाइस, हाँ जी तुम गाड़ी में बैठ गए, कौन सा गाड़ी है वो दिखाता हूँ, अच्छा है, थोड़ा बाद में ही बताता हूँ क्या है क्या नहीं। भाई ने इन बाइक के ऊपर से लिया था, ये यूरोप से है और इधर से देखो क्या व्यू आ रहा है मस्त। इधर थोड़ा मैं जान लेता हूँ, ये गाड़ी का थोड़ा बता दूंगा आपको पता चल जाएगा कौन सी गाड़ी है, ठीक है, लेकिन फिर भी एक झलक दिखा देता हूँ। A few moments later. आज गाइस तो फाइनली अपना गाड़ी आ गया है और हम आ गए हैं हनुमान जी टेम्पल पे, अंदर से महाराज को बुलाएंगे और अपनी गाड़ी दिखाएंगे, बोले दन्नो अभी बाद में दिखाएंगे एग्जैक्टली कौन सा है, तो लेट्स गो टू हनुमान टेम्पल फर्स्ट। श्रावण में तो एक दो बार आया था, गाइस तो फाइनली हमारा हो चुका है पूजा, पूजा होने के बाद गाड़ी आपको दिखाते हैं, ऑलमोस्ट पता चली गया गाइस, ये है अपना फोर्ड फिएस्टा 2011 मॉडल, थोड़ा विंडी बहुत है, लोग बोलते थे कि अभी जल्दी नहीं करके हम तो लेके आए, भाई ये राहुल तो नहीं आएगा कल से पे जाएगा ना राहुल। हाँ जी गाइस, ये मॉडल है 2011 का, 1,30,000 माइल चली हुई, पेट्रोल 1.4 इंजन है, ठीक है फोर्ड फिएस्टा, इसको फ्री स्टाइल हमारा जो फिगो होता है ना वैसा ही सेम टू सेम है, ठीक है आपको पीछे से भी दिखा देता हूँ। हाँ भाई 5 doors है क्योंकि इधर 3 doors भी आते हैं, 2 दरवाजे और 1 डिक्की का, ये 5 doors है, ठीक है और इसमें एक तो इनबिल्ट लगा हुआ है, जेंटेक है, पेट्रोल है, इधर यूके में क्या है ना डीजल गाड़ी अलाउ, मतलब डीजल गाड़ी पे अगर कोई बड़ी सिटी में जाओ तो चार्जेस बहुत ज़्यादा लेते हैं, पेट्रोल में इतना नहीं है, पेट्रोल में भी लेते हैं लेकिन कम लेते हैं बहुत सारी जगह, और डीजल साइड में तो कुछ इतना होता है। इसका प्राइस मेरे को पड़ा है ऑन रोड, मतलब विदाउट इसमें सर्विस मेरे को करवाना है, वैसे गाड़ी चलने में ऑल द वे इज गुड है, सबसे बेस्ट है, मेरे को उसका पड़ा 1100 pounds में, इतने में मैंने लिया है गाड़ी, उसमें मेरे को अभी मेरी रेंज थी 1500 pounds में, चाहे सर्विस करवाना हो या फिर गाड़ी सर्विस की हुई मिले वो मेरे को कुछ भी करो, मेरे को बजट था 1500 pounds, उसके
बाकी सब टायर नहीं है अच्छे तो उस पर अभी देखेंगे। तो 200 पाउंड का मतलब क्लीनिंग करवाना है, मैं करवाना चाहता हूँ। गाड़ी में थोड़ा रस है, बाकी और क्या क्या है मैं दिखाता हूँ अंदर इनसाइड से। खाली सर्विस बाकी है, थोड़ा सा दिक्कत में मतलब ये है कि मैनुअल है गाड़ी गाइस। इसमें और एक चीज मेरे को सबसे बढ़िया क्या लगी, इसकी जो सीट है ना वो हीटेड सीट है, तो वो बहुत इधर विंटर में काम आती है, ठीक है। और फोर्ड फिएस्टा है मस्त, इसमें इन्होंने एम्बिएंट लाइट भी लगा कर रखा है, अलग से लगा कर रखा था। ये नीचे देखो ना अभी लाइट, इधर ये देखो एम्बिएंट लाइट वो चालू करके रखा है। बाकी गाड़ी एकदम चलने में स्मूथ है, 1,33,000 माइल चली हुई है, पेट्रोल है, ठीक है। और एक बेनिफिट उन्होंने ये है कि जैसे रिवर्स में डालता हूँ, मेरी चाबी कहाँ गई, तो उसमें कैमरा की क्वालिटी बहुत हाई है। चाबी भी उसकी लॉक वाली है, मतलब जैसे लॉक अनलॉक, ठीक है। तो इसको मैं चाबी डालता हूँ एक बार, तो इसको रिवर्स में करता हूँ एक बार, दिखाता हूँ आपको। ये देखो रिवर्स का कैमरा कितना क्लियर है भाई। और ये अपना सामने हनुमान दादा का टेम्पल, ठीक है। अभी विंडी मतलब भयंकर विंडी मौसम, देखो ये है 5-सीटर गाड़ी है, स्पेस है, हीटेड सीट है। इधर ये पावर आउटलेट भी दिया हुआ है मेरे को चार्जिंग करने के लिए। ये अभी महाराज ने मेरे को हार दिया है, लेकिन अभी उड़ जाएगा विंडी से, और दुया भी नहीं है। बाकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे दिखाता हूँ मैं अभी चालू करके इसका आवाज चालू करके दिखाता हूँ ना, इधर पकड़। एक सेल में चालू होता है भाई गाड़ी, देखो टकाटक। ये इधर पूरा लाइट्स का सिस्टम आ गया, ठीक है। एम्बिएंट लाइट येलो का मुकिन भी है, ठीक है। ये छोटे वाले मेरे फीको में ये येलो लाइट था, उसमें ये सब पीछे कैमरा भी है, सब कुछ अच्छा है गाड़ी। गाइस आप सोच रहे होंगे यार हर चीज ये ग्रीन ही क्यों लाता है, बूट स्पेस बहुत सही है इसका। इसमें खाली एक ही चीज है, क्या है नहीं पता है, स्टेपनी नहीं आया है, इसीलिए उसने गाड़ी बेच दिया है। स्टेपनी नहीं है वो, मेरे को बाहर से खरीदना पड़ेगा स्टेपनी का वो है इसका निकालने वाला सामान, लेकिन टायर नहीं है। टायर तो आई होप इधर जरूरत भी नहीं है ज्यादातर, लेकिन फिर भी सेफ्टी के लिए बाद में ले लेंगे। बाकी गाड़ी पे एक खरोच नहीं है, देखो गाइस आप गाड़ी देखो टकाटक। हाँ जी गाइस, तो इसमें मैंने जो लिया ना, मेरे पास एक्चुअली दो है, अभी प्रोविजनल भी है यूके का, मैं थियरी दूंगा ये इस पे, लेकिन गाड़ी नहीं चला सकते ये। इसमें गाड़ी कब चला सकते हैं, जब आपका बाजू में कोई बैठा हो 3 साल का एक्सपीरियंस वाला, जिसके पास यूके का लाइसेंस हो, तो आप गाड़ी चला सकते हैं। और अभी का जो है मेरे पास इंटरनेशनल है, वो 3 साल का है, ठीक है। मैं उसका वीडियो अलग से बनाऊंगा कैसे कर रहा है, मैंने 52 पाउंड में 3 साल का लिया एक्सपीरियंस, उसका लिंक मैं डाल दूंगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। उस पर कैसे अप्लाई करना है वो बताऊंगा। अभी आप बताते हैं इंश्योरेंस कितना आता है, तो इधर क्या है ना, इंश्योरेंस के 2-4 फैक्टर रहते हैं, जिसमें एज हो गया, गाड़ी कितने माइल्स चली हुई है, ठीक है। तीसरा हो गया कि गाड़ी कितनी पुरानी है, मॉडल कौन सा है, कितनी सेफ है, ठीक है। चौथा ये हो गया कि पेट्रोल डीजल है, क्योंकि इधर क्या है ना, पेट्रोल पे कम आता है, डीजल पे ज़्यादा आता है, इलेक्ट्रिक पे और भी सस्ता आता है, डिपेंड ऑन कार। तो मेरा जो है वो साल का 1,328 मतलब 1,328 रुपया 1,328 पाउंड आया, मतलब महीने का 113 पाउंड कितना मेरा आया, तो बहुत अच्छा है। बाकी तो लोगों का 200-300-250 तक आता है। तो ये था आज का इंश्योरेंस, और ये था आज का वीडियो। आई होप यू गाइस एंजॉय। अभी दंडों को धुलवाते हैं थोड़ा, पेट्रोल तो फुल करवा दिया था। इसके पेट्रोल कितने में फुल हो पता है, 55 पाउंड में फुल हो जाता है, 40 लीटर पेट्रोल 1.55 का, लेकिन कॉस्को में तो और भी सस्ता पड़ेगा। द नेक्स्ट मॉर्निंग। हां जी गाइस, तो अभी मैं रखने जा रहा हूं थोड़ा गाड़ी को गैरेज में, तो उसके बाद बात करते हैं क्या है क्या नहीं, क्योंकि अभी बात नहीं कर पाऊंगा मैं, ठीक है। तो आज नया दिन है, उसमें क्या है कितना खर्चा आएगा सारी चीज़ें, इंश्योरेंस का भी मैंने देखा है, तो वो बताऊंगा आपको मैं जो भी होगा वो। तो पहले इसको अभी ड्राइविंग कर रहा हूँ थोड़ा, अब मोबाइल रखने का स्टैंड नहीं, मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया है, उसके बाद आने के बाद इधर एक GoPro भी लगाना है, लेकिन सबसे पहले डीप क्लीनिंग और सर्विस ज़रूरी है। तो बस इतना है गाइस, ठीक है, मिलता हूँ। Hello, my name is Alex from Nautil Garamaker with a 4-inch service. Front tire is 4mm. Suspension is okay. Our brakes all okay. On this side the tire is 3mm. Slightly cracked, you can see. The ball joint has
clay. The brakes all okay. There is no oil leak. The exhaust is okay all the way back. The rear tire is 4 mm and is cracked slightly from the edge. You can see suspension is okay. The brakes all okay. This side the tire is cracked as well. It's 4 mm. Suspension is okay. The brakes all okay. हाँ जी गाइस, तो अभी जस्ट आए, फ्रेश वेश हो गया, अभी रात हो गई थी इसलिए मैंने गाड़ी उधर रखा है, अभी इंश्योरेंस उसका बाकी है, ठीक है, कंपेयर कर रहा हूँ मेरा, और वैसे तो वो ओके ही है, लेकिन फिर भी आपको मैंने सारी चीज़ें तो बता दिए कि क्या है क्या नहीं, यही था मेन चीज़ें कि गाड़ी कितने में पड़ी मेरे को, और कहाँ से खरीदी वो भी बता देता हूँ। मैंने जो गाड़ी खरीदी वो फेसबुक मार्केट प्लेस है। मैं नहीं बोल रहा हूँ सब लोग फ्रॉड होता है, लेकिन होता है तो आप देख के लो, क्योंकि ऑफिशियली देखा जाए ना तो मैं थर्ड ओनर हूँ और 1,30,000 चलिए, लेकिन 80,000 पे पूरा इंजन, 80,000 पे पूरा इंजन रिप्लेस किया हुआ है, तो वैसे देखा जाए तो 50,000 ही चला हुआ है और पेट्रोल है, बाकी सब बढ़िया है। टायर सब नए डाल दिए मैंने सर्विस में, उसका जो सर्विस का पूरा टोटल था मैंने उसको बोला था 254 pounds में सिर्फ इंजन का, लेकिन उसने बोला था कि टायर में क्रैक डाउन है, तो फिर मैंने टायर भी चेंज करवा दिया 151 का। टोटल जो आया था मेरा तो 413 pounds विद टैक्स और सब मिला के, तो उसमें सारे चारों टायर नहीं आ गए। उन्होंने बोला कि विंटर में टायर वैसे भी महंगे हो जाते तो अभी चेंज कर लो, और वैसे भी दिसंबर में फिर आपका MOT का जो रहता है ना, इधर हमारे इधर का सब PUC रहता है, इधर वैसा MOT चेक करना होता है, तो कौन सी एप्लीकेशन है वो भी मैं डाल दूंगा लिंक, किस पर चेक कर सकते हो, ठीक है। और बाकी उसके रिलेटेड मैं लाइसेंस के रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, सो जो भी होगा मैं आपको बता दूंगा क्या है क्या नहीं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। सॉरी फॉर लेट, क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिला था वीडियो बनाने का, तो आज मेरे को मिला है अभी, तो अभी मैं पहले कर देता हूँ। तो यही था आज का, अगर कुछ आपको डाउट है इसके रिलेटेड, कहाँ से खरीदे कैसे खरीदे, तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, तो मुझे कमेंट कर सकते हो अगर कुछ आपको डाउट रहा हो कैसे करना है कैसे नहीं, ठीक है, बाकी अपने ऊपर है। और हाँ, मेरा ये था 1,500 pounds ही क्यों था, क्योंकि मैं ये चाहता था कि मेरी जो इनकम है मंथली उसके हिसाब से मेरा सिर्फ जो मंथली का मतलब जो है वो 10% के अंदर ही आना चाहिए, तो वो मेरा मैनेजमेंट था कि चाहे पेट्रोल डीजल का खर्चा हो चाहे इंश्योरेंस हो, टोटल मिला के 10% जो भी इनकम हो उसके 10% के अंदर ही आना चाहिए। तो वैसे तो टोटल हाउस होल्ड इनकम ज़्यादा है, लेकिन 5-7% के अंदर ही है, मैक्सिमम 10% भी है, तो वही मेरा था, इसलिए मैंने 1,500 इतना सस्ते, बाकी नहीं भी खरीद सकता था वैसे, लेकिन मेरे को मैं नहीं चाहता था कि ज़्यादा लोड लूँ, और भी बहुत सारा कुछ काम है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी, जय श्री कृष्ण, जय हिंद।